हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। ठीक है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसी तरह की क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिक पे चाहते हैं या फिर आप किस तरह से क्वेश्चन चाहते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चंस में मैंने दोनों लैंग्वेज में इंक्लूड किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि जनरल अवेयरनेस से होंगे, यानी कि करंट अफेयर्स के बेसिस पे होंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं आपको बताते चलूँगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट लाइट वेट एंड द चीपेस्ट प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ रिसेंटली डेवलप्ड इंडिया। कहने का मतलब ये हुआ कि हाल ही में विकसित भारत का सबसे हल्का और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप तब तक अपना आंसर हमें सोच के बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मिलता है 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भाभा कवच इसका नाम दिया गया। ठीक है, भाभा कवच के नाम से हमारे देश का सबसे हल्का, लाइट वेट और चीपेस्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है, भाभा कवच। और मैं आपको बताऊं कि अगर इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस प्रदर्शनी 2019 में हुआ, उसके द्वारा इसका अनावरण किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अंडर विच प्रोजेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऊर्जा ब्रिज एंड बसंत ब्रिज इन जम्मू कश्मीर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में ऊर्जा पुल और बसंत पुल, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा पुल और बसंत पुल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जानने को मिल रहा है। देखिए, पहला तो आपका ऊर्जा पुल और बसंत पुल कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलोगे कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये क्वेश्चन आप बन सकता है। अगर इसका उद्घाटन, यानी कि अगर बात करें कि इसके उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इसका उद्घाटन रक्षा मंत्रालय, यानी कि रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में आप बोलोगे कि रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा किया गया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है, तो आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए किसका राइट आंसर क्या होगा। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपर्क योजना के तहत। ठीक है, संपर्क परियोजना के तहत आपका ये जो पुल है, ऊर्जा पुल और बसंत पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और यहाँ से मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ, जैसे कि ऊर्जा जो पुल है वो कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में है, जो कि 1 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर बसंत पुल की बात करें, तो बसंत पुल जो है आपका ये सांभा जिले में, जो कि 617.40 मीटर लंबा है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द टेक्नोलॉजी विच हैज़ बिन डेवलप्ड बाई द इंडियन रेलवेज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन ऑब्स्टैकल ऑन द ट्रैक्स। कहने का मतलब ये हुआ, वह प्रौद्योगिकी तकनीक जिससे भारतीय रेलवे द्वारा पटरियों पर अवरोधों की जानकारी के लिए विकसित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न किया बताया है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिनेत्रा। ठीक है, त्रिनेत्रा इज द राइट आंसर। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसे हम लोग ड्राइवर इंफ्रारेड, इन्हेंस्ड ऑप्टिकल और रडार असिस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा कि इंफ्रा कैमरा भी लगा होगा, ऑप्टिकल कैमरा भी लगा होगा और रडार असिस्टेंट इमेजिंग सिस्टम शामिल किया गया है, जो कि मुख्य रूप से क्या करेगी कि धुंधली परिस्थितियों में भी, यानी कि अगर धुंधली सिचुएशन भी हो तो पटरियों पर अवरोध हो, यानी कि कोई रुकावट हो, उसकी पहचान करने में लोको पायलट जो कि ड्राइवर होंगे उनको काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और रेलवे एग्जाम्स के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो रेलवे एग्जाम्स हैं NTPC और RRC ग्रुप डी का, तो उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये रेलवे से
रिलेटेड है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द टेक्नोलॉजी कंपनी बाय विच गो ट्राइबल कैंपियन हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट ट्राइबल आर्ट्स एंड द क्राफ्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि वह प्रौद्योगिकी कंपनी जिसके द्वारा आदिवासी कला और शिल्प को बढ़ावा देने हेतु गो ट्राइबल अभियान, ठीक है, गो ट्राइबल अभियान प्रारंभ किया गया। तो इस चीज़ को आपको बताना है। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अमेजन इंडिया के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। गो ट्राइबल अभियान जो किया गया वो अमेजन इंडिया के द्वारा किया गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा कि जो आदिवासी कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए ये प्रारंभ किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स कि इन विच स्टेट इज़ द चमलियाल फेयर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये आयोजन किया जाता है और ये प्रसिद्ध मेला जो है बाबा दलीप सिंह मन्यास की समाधि पर लगता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वेन वाज द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन July 1 एवरी ईयर। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाए जाने की प्रयोजन कब से प्रारंभ किया गया, मनाए जाने की स्टार्टिंग कब से की गई, ये आपको बताना है। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1991 से ये स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक डे मनाने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये किसके लिए मनाया जाता है तो ये देखिए पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय उनके सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई को हमारे देश में यानी कि 2017 से GST डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष GST डे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है, जो कि 2017 से स्टार्ट किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द इंडियन स्टेट वेयर ऑफिशियली तमिल यूमेन वाज डिक्लेयर एज ए स्टेट बटरफ्लाई। कहने का मतलब ये हुआ कि वह यहाँ पर राशि नहीं कि वह, ठीक है, ये राशि नहीं होगा, वह भारतीय राज्य जहाँ आधिकारिक रूप से तमिल यूमेन को राज्य तितली घोषित किया गया, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो तितली यमन तमिल यूमेन है वो आप तमिल से ही क्लियर कर सकते हैं कि तमिल यानी कि तमिलनाडु, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखिए इसको हम लोग क्या कहा जाता है, यानी कि जो तमिल यूमेन है इसको तमीज मारवन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्या अर्थ होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ होता है योद्धा, ठीक है, यानी कि वॉरियर। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द कंट्री वेयर सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग हैज़ बीन बैन्ड, वह देश जहां सिंगल यूज़ प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। न्यूजीलैंड में सिंगल यूज प्लास्टिक जो शॉपिंग बैग था उसको पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नीचे आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो क्या होती है। देखते हैं कितने लोगों को राइट आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द स्टेट वेयर ऑफिशियली द यूज ऑफ ट्रांसजेंडर वर्ड हैज़ बीन अनाउंस्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि वह राज्य जहाँ आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द, ठीक है, ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा की गई है। आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि केरल में आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द के प्रयोग की घोषणा की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स, द स्टेट बाई विच द मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द स्टूडेंट नेम्ड शिक्षा सेतु। कहने का मतलब ये हुआ कि वह राज्य जिसके द्वारा शिक्षा सेतु नामक छात्र हित में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, यानी कि शिक्षा सेतु है ये छात्रों के लिए लॉन्च किया गया, तो वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हरियाणा के सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और मैं बता दूं कि इस
एप्लीकेशन के मदद से जो स्टूडेंट होंगे वो क्या कर सकते हैं, तो उनकी जो यूज़फुल के ये रहेगा कि वो कॉलेजों के उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, जो उनका फ़ी होगा, वो ऑनलाइन जो प्रवेश एडमिशन होगा कब, ये सभी चीज़ों को जान सकते हैं। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप कब मिल रही है, उस सब उससे रिलेटेड सारी जानकारी वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हरियाणा स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है शिक्षा सेतु, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ थी हमारी आज की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस पार्ट को आगे जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चैनल पर रोजाना आपको नॉलेजबल वीडियो अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।